हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, यस वेलकम बैक टू द चैनल आप सभी का वापस स्वागत है अपने चैनल के ऊपर मैं हूँ सौरभ दईवतकर आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर, आज वापस सुबह के सेशन में बी डबल के सेशन में तहे दिल से सभी का स्वागत है बच्चों आज हम लोग क्या क्या करने वाले बेसिकली आज के सेशन का नाम अगर आपने पढ़ा रहेगा के सी एल एंड के वी एल के न्यूमरिकल्स हम लोग को करना है राइट ये है सेशन नंबर फाइव डिटेल्ड में हम लोग देखने वाले क्योंकि के वी एल एंड के सी एल हम लोग ने ऑलरेडी लेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ लिया होता है रे न ऑलरेडी पढ़ लिया है कल भी मैंने कल के सेशन नंबर फोर में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था राइट तो अभी ये जो के वी एल के सी एल पढ़ रहे हैं सर फिर इसमें कुछ नया है क्या ना जी ना नया कुछ भी नहीं नया कुछ भी नहीं है वही चीज करने वाले हैं हम लोग लेकिन उसको डिटेल में पढ़ना है उसके साइन कन्वेंशंस को डिटेल में पढ़ना है एंड उसके हिसाब से मुझे सारे न्यूमेरिकल्स को आगे सॉल्व करना है ओके जी तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले सभी बच्चों को बिल्कुल गुजारिश रहेगी कि अपने इस वीडियो को अपने इस सेशन को अपने इस बाबा की दरबार को फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना नहीं भूलिए बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग राइट एंड सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है ना फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए यार क्योंकि काफ़ी नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं अपने साथ साथ एंड जरूर ये सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए आर यू वेटिंग माई पॉइंट ऑल नोटिफिकेशन पे रखिए तक ताकि जब भी जबी ये बाबा का दरबार बुलाया जाएगा आपको बिल्कुल मेरी तरफ से पर्सनलाइज नोटिफिकेशन मिल जाएगा ओके जी एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप ग्रुप है अपना टेलीग्राम ग्रुप है अपना इंस्टाग्राम है इन सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है फटाफट से वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं के वी एल और के सी एल की शुरुआत करेंगे अभी बाबा जी बाबा जी शुरुआत करेंगे के वी एल और के सी एल की चलो रेडी हो जाओ मचाओ यस तो मैं हेडिंग डालना चाहता हूं यहां पे ऑफ करंट लॉ मैं पहले दोनों लॉ लिख देता हूं करंट लॉ ओके जी आफ्टर दैट यहां पे हो गई यहां पे हो गई रुको 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 जी Yes. वोग 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 ये क्या हो रहा है मेरे से स्विच ऑफ वोल्टेज लॉ ओके जी वोल्टेज लॉ ग्रेट चलिए तो दोनों ये लॉ का पहले इक्वेशन लिख देंगे बच्चों दोनों लॉ का फटाफट फड़ से इक्वेशन लिख देंगे दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो समेशन ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो ओके समेशन ऑफ वी क्या होता है समेशन ऑफ आई आर होता है राइट तो समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो बिल्कुल चलिए अभी भी बाकी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं फटाफट से उनको कही है ज्वाइन होने के लिए यार ओके okay? इसके लिए मैंने आपसे कह दिया था इस लोग को एक और अंदाज में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते कैसे सम ऑफ ऑल इनकमिंग करेंट्स इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू कम ऑफ ऑल ऑफ ऑल आउट गोइंग करंट्स आउट गोइंग करंट्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये उसका एक्चुअल साइन कन्वेंशन होने वाला है कि जो इनकमिंग करंट रहेंगे वही इज इक्वल टू उनका समीशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल आउट गोइंग करंट्स राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर क्रिच ऑफ वोल्टेज लॉ हाउ यू कैन जस्ट राइट डाउन दैट वोल्टेज लॉ बच्चो कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं मैंने लिख तो दिया लेकिन इसका साइन कन्वेंशन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आई जस्ट ड्रॉ वन डायग्राम ओवर हियर एकदम बेसिक डायग्राम में यहाँ पे ले रहा हूँ बेसिक सर्किटल डायग्राम ले लिया मैंने यहां पे मैं ले रहा हूं एक बैटरी एक बैटरी यस परफेक्ट ओके सो दिस इज वॉट अ बेसिक डायग्राम आई जस्ट राइट डाउन हियर एज टू ओम एंड हियर एस थ्री ओम एंड हियर एस फाइव वोल्ट की बैटरी क्या ले रहा हूँ मैं फाइव वोल्ट की बैटरी ओके जी अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है बड़े ध्यान से सुनना बड़े ध्यान से सुनना सबसे पहला बाबा का फंडा है ना यहाँ पे बाबा के मंत्र आने वाले हैं तो पहला मंत्र यहाँ पे बताना चाहता हूँ ऑलवेज टेक अ क्लॉकवाइज करंट क्लॉकवाइज है ना कंसिडरेशन जो रहेंगे ऑलवेज टेक अ क्लॉक वाइज करंट ओके ले लिया मैंने तो करंट को मैंने कैसे कंसिडर किया क्लॉक वाइज कंसिडर किया एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन राइट क्लॉक वाइज करंट मैंने कंसिडर कर दिया है सेकेंड थिंग दैट यू वॉन्ट टू जस्ट लेसन ओवर इयर सेकेंड बाबा का मंत्र आने वाला है सेकेंड बाबा का मंत्र आने वाला है बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरी ये अपनी बैटरी है ठीक है ये उसमें से करंट जा रहा है बड़े ध्यान से देखना ये उसमें से करंट जा रहा है ठीक है तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इसका मतलब हायर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होता है इफ़ माई करंट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आई रिपीट इफ माई करंट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल येस बच्चो खबान मेरे साथ इफ माई करंट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो मेरा करंट जो है मतलब मेरी जो बैटरी की साइन है वो क्या लेनी है माइनस नेगेटिव लेनी है क्योंकि हायर टू लोअर जा रहा है ना डिक्रीज हो रहा है समझ रहे हो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सिमिलरली यहाँ पे उल्टा कंसीडर कीजिए अभी इस तरीके से है एंड मेरा करंट इस तरीके से जा रहा है तो अभी देखो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है तो उसको मैं कंसीडर करूंगा इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव ई आई न्यू इट ये घूम के ऐसे भी आ सकता है बट मुझे इनके बीच में से देखना है इन दोनों पोटेंशियल के बीच में से मतलब इनके बीच में से देखना है मैं घूम के आऊँगा तभी नहीं देखना है इनके बीच में से देखना है आर यू वेटिंग माई पॉइंट तो कितना मंत्र बताया बाबा जी दो मंत्र बताया मतलब अभी तो सीन सॉर्टेड हुआ इसके बारे में अब मुझे सुनना है इसके बारे में आई आर के बारे में नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू मगअप अप माई थर्ड मंत्र माई थर्ड मंत्र तीसरा मंत्र अभी हमें पढ़ना है जो तो रिलेटेड है आई आर के बारे में एनी डाउट राइट अब बताइए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना अब बताइए ध्यान से कि यार जो मेरा रजिस्टर है उसको तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता ना जो मेरा रजिस्टर है उसको कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता तो उसको साइंस कैसे देना है उसको साइंस कैसे देना है उसको साइन देने के लिए बाबा के पास है तीसरा मंत्र टोटल चार मंत्र है बाबा के पास है तीसरा मंत्र ओके ध्यान से लिख के लेना सेम कॉम्पोनेंट सेम कॉम्पोनेंट तो डिफरेंट टर्मिनल डिफरेंट टर्मिनल ओके okay जी ओके एंड डिफरेंट कॉम्पोनेंट देखिए बड़ा मजा आएगा डिफरेंट कॉम्पोनेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट यहां पे आने वाली है सेम टर्मिनल ओके मतलब क्या है सेम कॉम्पोनेंट डिफरेंट टर्मिनल डिफरेंट कॉम्पोनेंट सेम टर्मिनल ये बिल्कुल आपके दिमाग पर फिट होना चाहिए मेरी डायग्राम को मैं यहाँ पे वापस रिड्रॉ करना चाहता हूँ तभी जाके मजा आएगा आर यू वेटिंग माई पॉइंट डायग्राम को आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रॉ इट वंस अगेन बच्चों वंस अगेन यस कर दी मैंने यहाँ पे फाइव वोल्ट ये हो गई टू ओम ये हो गई थ्री ओम ठीक है जी अब मेरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा था आई ऐसे है ठीक है अब ध्यान से सुनो ध्यान से सुनना बाबा जी ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना इस मंत्र को ध्यान से सुनना इस मंत्र को बाबा जी बड़े कड़े मेहनत के साथ ये नेगेटिव है है ना ये बैटरी की नेगेटिव है ठीक है ये नेगेटिव किसके साथ कनेक्टेड है रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है मतलब डिफरेंट कॉम्पोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कॉम्पोनेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट तो एक बैटरी है एक रजिस्टर है तो ये डिफरेंट लोग हो गए ना बैटरी बैटरी कनेक्ट हो गई तो बात अलग है रजिस्टर रजिस्टर कनेक्ट हो गया तो बात अलग है खमान रजिस्टर रजिस्टर कनेक्ट हो गया तो बात अलग है बैटरी बैटरी कनेक्ट हो गई तो बात अलग है मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुन रहे हो बिल्कुल सही तो ये जो नेगेटिव है दैट इज कनेक्टेड टू दिस रजिस्टर तो डिफरेंट कॉम्पोनेंट तो सेम टर्मिनल यहाँ पे ज्वाइन होना चाहिए नेगेटिव के साथ नेगेटिव ही होना चाहिए अभी इधर नेगेटिव तो ऑब्वियसली पे क्या हो गई पॉजिटिव हो गई एनी कंफ्यूजन बच्चों राइट के साथ ये रजिस्टर वापस कनेक्टेड है इस रजिस्टर के साथ तो दो रजिस्टर मतलब सेम कॉम्पोनेंट तो उनका कौन सा टर्मिनल ज्वाइन होना चाहिए खमौन बाबा का मंत्र सेम कॉम्पोनेंट डिफरेंट टर्मिनल तो इधर पॉजिटिव है तो इधर होना चाहिए नेगेटिव क्योंकि सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल पॉजिटिव का डिफरेंट ऑब्वियसली नेगेटिव ही रहेगा चलो चेक करते हैं ये प्लस आ गई एनी डाउट एनी कंफ्यूजन यहां तक पक्का पक्का जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा का आखिरी मंत्र बाबा का आखिरी मंत्र ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं ये पूरे डीसी सर्किट में इनफैक्ट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो इलेक्ट्रिकल से हो ई से हो तो ये आपको बिल्कुल करियर के एंड तक याद रखना है जी बिल्कुल ये चारों मंत्र आपको करियर के एंड तक याद रखना है बिकॉज विदाउट क्रिच लॉ ना आप अपना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व कर सकते हो ना केवी मतलब ना अपना नोटन्स ना तेविनियंस ना नोडल ना मेश एनालिसिस ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किए ये कुछ भी कोई भी थियरम कोई भी एनालिसिस आप कंटिन्यू नहीं कर सकते इसलिए ये जो लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे KVL के के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर का न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करेंगे राइट है जी बड़े ध्यान से सुनना बड़े ध्यान से सुनना बाबा जी मैं क्या कह रहा हूँ अभी फोर्थ जो अपना मंत्र है रजिस्टर मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे है नेगेटिव यहाँ पे है पॉजिटिव तो इफ़ माई करंट इज़ ट्रैवलिंग इन दिस वे करंट इज ट्रैवलिंग इन दिस वे तो रेजिस्टर के कौन से टर्मिनल से वो बाहर जा रहा है वो साइन उस पर्टिकुलर टर्म को आने वाली है रेजिस्टर के कमॉन बच्चो रेजिस्टर के कौन से टर्मिनल से बाहर जा रही है वो साइन वो पर्टिकुलर टर्म को आने वाली है इसका मतलब क्या है? कहानी बताता हूँ मैं एक कहानी बताता हूँ यार आपके घर पे कोई मेहमान आ गए है ना और वो मेहमान है ना, मेहमान आ गए उन मेहमानों को आपने एकदम पॉजिटिव ट्रीटमेंट दी एकदम पॉजिटिव ट्रीटमेंट दी अब व्हाट डू यू मीन बाय एकदम पॉजिटिव ट्रीटमेंट देना यार मेहमान आ गए उनको है ना मतलब लस्सी वस्सी पिला दी है ना उनको रसगुल्ला खिला दिया है ना अच्छा मस्त सा खाना खिला दिया और वो एकदम खुश हो गए वो एकदम खुश हो गए और खुश होने के बाद वो घर से बाहर गए मतलब घर से चले गए है ना मतलब खा के खाने के लिए आए थे घर से चले गए अब घर से जाने के बाद क्या हो गया बाहर दस लोगों को जाके उन्होंने बताया यार इनके घर पे गया ना तो यार ये खाने मिलता है बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं मतलब क्या पॉजिटिव बन के घर से बाहर गए तो पॉजिटिव चीज़ बाहर वो लोग फीडबैक देते हैं पॉजिटिव चीज़ें बाहर बताते हैं क्या बोल रहे हो समझ रहा है पॉजिटिव चीज़ें बाहर बताते हैं अगर वही बंदे आप उनके मतलब वो आपके घर पर आ गए और उन आपने उनको कहा बस हम लोग के घर पे चाय ही मिलेगा आपको बिस्किट वस्किट कुछ नहीं मिलने वाला लस्सी वस्सी तो दूर की बात है जनाब ठीक है ऐसे उन्होंने मतलब ऐसे आपने उनको कह दिया तो यार वो नाराज़ हो गया वो नाराज़ हो गया वो बोलेगा यार ये क्या चीज़ हुई मतलब, मतलब हम लोग के घर पे खाने को नहीं मिलता जो आप हम लोग मतलब हम लोग आपके घर पे आए तो यार वो उसके मन में क्या हो गया नेगेटिव हो गया वो नेगेटिव बन के बाहर गया तो पूरी बाहर वाली कम्युनिटी को क्या बताएगा नेगेटिव चीज़ें बताएगा यार इनके घर पर मजाज सिर्फ चाय देते उससे अच्छा बाहर पी ले ओके जी इसका मतलब क्या जिस टर्मिनल से करंट बाहर जाता है वो साइन उस पर्टिकुलर टर्म को आता है जिस मन से मेहमान बाहर जाता है वही दस लोग को जाके वो बताता है राइट जी चलिए ये थी छोटी सी एक कहानी कैसी लगी प्लीज़ टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन कैसी लगी यार कैसी लगी फटाफट -फड़ से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ओके जी तो यहाँ पे देखिए ये ये मेरा करंट है ये मेरा करंट है तो करंट मेरा ऑलवेज मतलब यहाँ पे करंट को कौन सा पकड़ना है पॉजिटिव आई पकड़ना है और यहाँ पे नेगेटिव आई पकड़ना है अभी मुझे पता है कि करंट पॉजिटिव नेगेटिव कभी नहीं होता करंट हमेशा होता है पॉजिटिव है ना तो यार नेगेटिव करंट मतलब क्या विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन देखो पहला मंत्र क्या था वॉट इज द फर्स्ट मंत्र चेक करियो यहाँ पे फर्स्ट मंत्र क्या था ऑलवेज कंसिडर अ क्लॉकवाइज करंट ओके okay. दूसरा मंत्र था लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल तो पॉजिटिव अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो नेगेटिव राइट लिख दिया थर्ड क्या था सेम कॉम्पोनेंट डिफरेंट टर्मिनल डिफरेंट कॉम्पोनेंट सेम टर्मिनल और चौथा मंत्र था जिस मन से मेहमान बाहर जाएगा वही बाहर बताएगा मतलब पॉजिटिव से बाहर निकल गया तो पॉजिटिव आए नेगेटिव से बाहर निकल गया तो नेगेटिव आए चलिए मचाइए अब अब इस सम को सॉल्व करने का जो मजा आएगा वो आपको बाकी कहीं नहीं मिलने वाला है बच्चों राइट बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट में क्या कह रहा हूं यहां से अपना आंसर शुरू हो रहा है बड़े ध्यान से सुनना ओके चलो देखते हैं यार फटाफट फड़ से फटाफट फड़ से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यार यस एप्लाइंग अप्लाइंग के वी एल टू लुप यस बच्चो अप्लाइंग के वी एल टू लुप बड़े ध्यान से सुनिए के वी एल टू लुप ओके लुप को मैंने के वी एल लगा दिया अभी क्या होने वाला है चलो बैट देखो क्लॉकवाइज करंट ऐसे घूम रहा है तो बैटरी से ऐसे करंट आएगा यहाँ से ऐसे करंट जाएगा और यहाँ से ऐसे करंट देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है सब कुछ देखो सब कुछ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बैटरी से कहाँ से कहाँ करंट आ रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बिल्कुल सही जवाब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मतलब वो जो बैटरी है वो क्या होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए बच्चों क्या होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए तो वो अगर नेगेटिव होनी चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस फ़ाइव होना चाहिए क्या होना चाहिए माइनस फ़ाइव होना चाहिए एनी डाउट फिर यहाँ से ऐसे गया तो यार रजिस्टर से कौन से टर्मिनल से वो बाहर जा रहे हैं रेजिस्टेंस के कौन से टर्मिनल से वो बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल से वो बाहर जा रहा है तो ऑब्वियो थिंग है वो कौन सा साइन बाहर बताएगा पॉजिटिव साइन बाहर बताएगा तो प्लस आर अकेला लिखू क्या ना जी ना बाप ने कहा था आर के साथ आई होना है दैट इज़ आई आर मतलब क्या वी ओके जी तो आर के साथ आई होना है तो यहाँ पे पॉजिटिव टू आई लिख देता हूँ मैं पॉजिटिव टू आई और वापस थ्री से देखो थ्री से कौन से टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से तो प्लस थ्री आई लिख दी और इज इक्वल टू जीरो तो देखो देखो जी जो मैंने यहाँ पे लॉ बताया था आपको ये हो गई आपका समेशन ऑफ ई और ये हो गई आपका समेशन ऑफ आई आर और बीच में साइन प्लस है ई इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज वॉट द के वी एल दिस इज वॉट द के वी एल एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन बिल्कुल मचा रहे हो आप तो चलिए तो यहाँ पे क्या होने वाला है माइनस फाइव प्लस बच्चों यहाँ पे फाइव आई विच इज इक्वल टू जीरो देर फोर फाइव आई इज इक्वल टू फाइव डेर फोर यहाँ पे हो गई आई इज इक्वल टू वन एम्पियर क्या हो गई आई इज इक्वल टू वन एम्पियर एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन बच्चों तो दिस इज वॉट द कम्प्लीट अ सोल्यूशन यार क्या क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन क्या रहेगा फाइंड द करंट थ्रू ईच लूप है ना? तो ये एक ही लूप था तो एक ही करंट हो गया अभी जो मैं सेकंड सम लेने वाला हूँ ना वहाँ पे हम लोग मचाने वाले हैं बच्चों वहाँ पे हम लोग मचाने वाले हैं बिल्कुल आप कैल्सी के साथ रेडे रेडी रहिए बिकॉज कैल्सी में बर्बादी नहीं होनी चाहिए कैल्सी के बिना बर्बादी ही होने वाली है ठीक है जी तो चलिए इसको लिख दीजिए अच्छे से फटाफट पड़ से यस yes, फटाफट पड़ से लिख दीजिए एवरीवन एवरीवन अमेजिंग अमेजिंग चलिए सेकंड सम की ओर जाता हूं मैं सेकंड सम की ओर जा रहा हूं मैं फाइंड द करेंट ईच लूप ईच लूप ओके जी यहाँ पे डायग्राम देनी है मुझे यहाँ पे डायग्राम देनी है मुझे अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करना है आपको बिल्कुल भी आज बेसिक सम लेने वाला हूँ मैं बिल्कुल ठीक है इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नहीं तो यार चारों ओर बर्बादी दिखेगी आपको समझ लेना के वी एल आना बहुत ज़रूरी है के वी एल आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों दस इज वॉट द कंप्लीट सर्किट डायग्राम देर आर टू लूप्स दो अलग अलग लूप्स आपको दिख रहे हैं चलिए चलिए यहाँ तक हो गया सबका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो यार ये जो है ये थ्री ओम रजिस्टर है ये जो ये टू ओम रजिस्टर है ये फाइव है ये सेवन ही है या टेन है ठीक फट है yes, फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करिए येस एवरी वन एवरी वन बिल्कुल फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करिए अमेजिंग अमेजिंग अब थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ पहला मंत्र करंट ऑलवेज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट ऑलवेज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो बच्चों यहाँ पे ये हो गई i1 क्योंकि ये फर्स्ट लूप है ये हो गई i1 क्योंकि ये फर्स्ट लूप है यहाँ पे देखिए ये हो गई i2 क्योंकि ये सेकेंड लूप है चलिए तो i1 वन एंड आई अभी आ गया क्योंकि यहाँ पे दो दो लूप्स आ चुके हैं क्या बोल रहे हो समझ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो दो लूप आ चुके हैं ओके जी चलिए सेकेंड मंत्र क्या था यार ये ऐसे जा रहा है यह ऐसे जा रहा है मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है तो ऑलवेज इट विल बी अ पॉजिटिव टेन ऑलवेज इट विल बी अ पॉजिटिव टेन एनी डाउट एनी कंफ्यूजन अमेजिंग थोड़ा आगे बढ़ता हूँ थोड़ा आगे बढ़ता हूँ बड़े ध्यान से सुनना अभी जो आप लूप वाइज करंट लेने वाले हो ना तो पहले लूप वन के लिए केवीएल अप्लाई करो फिर लूप टू के लिए के अप्लाई करो दोनों को साथ में नहीं कर सकते आप पहले लूप वन के लिए फिर लूप टू के लिए ठीक है अच्छे से करेंगे ध्यान देना ध्यान देना तो यहां पे अप्लाइंग अप्लाइंग अप्लाइं, यस बच्चों, ध्यान से अप्लाइंग केवीएल टू लूप वन टू लूप वन यस बच्चों, लूप वन को केवीएल अप्लाई कर दिया अमेजिंग अमेजिंग हो गया तो चलिए पहले बैटरी की बात करते हैं अभी आप कहोगे सर ये सर्किट में तो एक ही बैटरी आ गई थी अगर ऐसा कोई सर्किट है जिसमें दो बैटरी आ जाती है जिसमें तीन बैटरी आ जाती है तो क्या करोगे जनाब दो बैटरी भी आ गई फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक और बैटरी लगा दी तो आपको दोनों में से कोई तो एक बैटरी को एक्टिव रखना है दोनों में से कोई तो एक बैटरी के अकॉर्डिंग पूरे सर्किट को साइंस दे देना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सारे साइंस दे देना है दूसरे बैटरी को इग्नोर करो साइंस देने के लिए इग्नोर करो ध्यान से सुनना साइंस देने के लिए इग्नोर करो जब भी आप के लगाओगे तब जाके वो बैटरी को कंसिडर कर दो लेकिन दोनों में से या दो बैटरी रहेंगे तो दोनों में से तीन रहेंगे तो तीनों में से दस रहेंगे तो दस में से कोई तो एक बैटरी को ही प्रेफरेंस देना है आप किसी भी बैटरी को दे सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता ध्यान से सुनना कोई फर्क नहीं पड़ता आर यू वेटिंग माई पॉइंट लेकिन जिस बैटरी से साइंस देना शुरू किया उसी बैटरी से बाकी सारे लूप्स में भी साइंस देना शुरू करिए ओके जी चलिए तो मैं यहाँ पे साइंस देना शुरू करता हूँ ये हो गई अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है जी तो यार ये बैटरीज कनेक्टेड टू द रजिस्टर ना तो डिफरेंट कॉम्पोनेंट का सेम टर्मिनल अमेजिंग कर दिया सेम टर्मिनल राइट जी यहाँ पे रजिस्टर रजिस्टर सेवन और फाइव कनेक्टेड है ना मतलब क्या सेम कॉम्पोनेंट डिफरेंट टर्मिनल तो यहाँ पे हो गई प्लस माइनस देखो फर्स्ट लूप के लिए सारे साइंस हो चुके हैं अब सेकेंड लूप में सेकेंड लूप में जो करंट फ्लो होने वाला है सेकेंड लूप में जो करंट फ्लो होने वाला है वो किसके वजह से फ्लो होने वाला है सेकेंड लूप में जो करंट फ्लो होने वाला है वो किसके वजह से फ्लो होने वाला है वो टेन वोल्ट के वजह से ही फ्लो होने वाला है क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है दूसरी कोई बैटरी दिखाई दे रही है आपको उसमें नहीं तो किसके वजह से फ्लो होने वाला है वो टेन वोल्ट के वजह से ही फ्लो होने वाला है तो ऑब्वियो थिंग है मुझे ये जो साइंस है ये जो साइंस है इस पर्टिकुलर लूप में क्या करने पड़ेंगे उल्टे करने पड़ेंगे अपोजिट करने पड़ेंगे अपोजिट करने पड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गई यहाँ पे माइनस हो गई अभी आप पूछोगे सर ऐसा क्यों क्योंकि देखिए जनाब ये I1 ऐसे घूम के ऊपर से नीचे आ रहा है एंड I2 नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा उनका पोलैरिटीज हो चेंज हो जाएगा उनका साइंस चेंज हो जाएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट अभी देखो इसी साइंस को पकड़ते हुए इसी साइंस को मद्देनजर रखते हुए ये माइनस जो है देखो ये फाइव ओम और ये थ्री ओम आर कनेक्टेड मतलब सेम कंपोनेंट का डिफरेंट टर्मिनल तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होनी चाहिए यहाँ पे माइनस होनी चाहिए वापस सेम सिनारी यहाँ पे प्लस होनी चाहिए यहाँ पे माइनस होनी चाहिए एनी डाउट एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो फटाफट से तो इन दिस वे वी हैव डन विद ऑल द साइंस वी हैव डन विद ऑल द साइंस अभी इन सारे साइंस को अपने को के में लगा देना है अपने को के में लगा देना है फटाफट से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिन लोगों ने मिस किया ना यार बहुत बड़ी बर्बादी है आपके लिए समझ जाना तो फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स लोग को भी बता दो कि यार आज जो लेक्चर अपलोड हुआ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हुआ है आपको किसी भी हाल में जाके देखना है यार ठीक है जी तो चलिए यहाँ पे अप्लाइंग के वी एल में यहाँ पे यार रागिनी जी ने आंसर भी दे दिया है यहाँ पे अमेजिंग यार अमेजिंग क्या बात है रागिनी जी चलिए चलिए आपको कैसे क्या आ रहा है रागिनी जी आपके कॉलेज में हो चुका है क्या आपके कॉलेज में ये हो चुका है फटाख से मुझे बता दीजिए रागिनी जी चैट बॉक्स में बता दीजिए यार क्या आपके कॉलेज में ये हो चुका है चलिए तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे अब लूप वन के लिए अप्लाई किया चलो बताओ बताओ टेन वोल्ट के लिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मतलब ये होने वाली है पॉजिटिव टेन पॉजिटिव टेन देखो सेवन जो ओम रजिस्टर है कौन से इसमें से करंट बाहर जाएगा देखो ना क्लॉकवाइज घुमा के तो देखो हर बार मैं ही एरो हर बार मैं ही एरो बताऊँ आपको ना जी ना देखो एरो कैसे होने वाला है ऐसा करंट जाएगा ना जी ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा है ना जी ऐसे जाएगा तो यार सिंपल बात होगी नेगेटिव से बाहर जा रहा है तो माइनस सेवन आई वन माइनस सेवन आई वन माइनस फाइव आई वन देखो नेगेटिव से बाहर जा रहे हैं ग्रेट 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 इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का बेसिक्स अप्लाई किया ग्रेट ग्रेट यार ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग माइनस सेवन आई वन माइनस फाइव आई वन शायद इलेवेंथ ट्वेल्थ में मैंने बताया था आपको हाँ नागिनी जी क्या अपन ने किया था ये क्या हम लोग ने ये किया था रागिनी जी बताइए माइनस सेवन आई वन माइनस फाइव आई वन यहाँ पे होने वाला है अभी देखो फाइव में से दो करंट फ्लो हो रहा है ना मतलब आई वन भी फ्लो हो रहा है और आई टू भी फ्लो हो रहा है लेकिन आई टू कैसा है नीचे से ऊपर है नीचे से ऊपर है तो देखिए नीचे से ऊपर मतलब ऐसे जाने वाला ये आई टू के लिए है ये आई टू के लिए तो आई टू के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव पे बाहर जा रहा है तो प्लस प्लस फाइव आई टू यहाँ पे हो गई प्लस फाइव आई टू यहाँ पे हो गई राइट right जी विच इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए राइट right? इस इक्वेशन को मैं बड़े ध्यान से दिखना चाहता हूँ देयर फोर माइनस सेवन माइनस फाइव मतलब माइनस ट्वेल्व आई वन प्लस फाइव आई टू विच इज इक्वल टू माइनस टेन ओके जी सो दिस इज वॉट इक्वेशन नंबर वन बच्चों दिस इज वॉट योर इक्वेशन नंबर वन राइट अब मैं जा रहा हूँ अप्लाई अप्लाई अप्लाइंग के वी एल टू लुप टू टू लुप टू ओके जी अब देखिए लुप टू के लिए अप्लाई किया अब लुप टू कहाँ से शुरू हो रही है ठीक है फाइव से शुरू करते चलो फाइव से शुरू करते लुप टू में आई टू कैसे फ्लोर है नीचे से ऊपर फ्लोर है नीचे से ऊपर फ्लोर है और आई वन कैसे फ्लोर है ऊपर से नीचे फ्लोर है तो दिस इज वॉट आई वन ओके तो आई वन कैसे फ्लोर है ऊपर से नीचे फ्लोर है तो बताइए बताइए I2 जो है वो नेगेटिव रहेगी क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव बाहर जा रहा है नेगेटिव बाहर जा रहा है तो माइनस फाइव यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस फाइव आई टू एंड आई वन क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए तो प्लस फाइव आई वन तो प्लस फाइव आई वन थ्री के लिए बताइए थ्री के लिए क्लॉकवाइज करंट तो कैसे जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव बाहर जाएगा तो माइनस थ्री आई टू माइनस थ्री आई टू टू के लिए बताइए क्या होने वाला है माइनस टू आई टू विच इज इक्वल टू जीरो क्योंकि एक भी बैटरी अभी मेरे पास नहीं है राइट right जी नहीं है देर फोर यहाँ पे ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना फाइव आई वन ओके माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट हो गई माइनस टू माइनस टेन हो गई तो माइनस टेन आई टू विच इज इक्वल टू जीरो तो दिस इज वॉट यर इक्वेशन नंबर टू सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू साइमल्टेनियसली ओके साइमल्टेनियसली अभी देखो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए भाई हर बार गाउटीगिरी नहीं करना है हर बार हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे ये ऑलरेडी अपन कैलसी में सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आज का ये पहला समय के वी एल के सी एल का तो मैं आज आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ गाउटी तरीके से बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स में कैलसी लेके आऊँगा कैसे सब्सटिट्यूट करना है हर एक वैल्यू वो मैं आपको बता दूंगा आप भी कैलसी लेके बैठना राइट जी चलिए तो यहां पे आप कहोगे सर हर लेक्चर में कैलसी कैलसी चिल्लाते हो क्या इतना जरूरी है या आपको कमीशन मिलता है या आपको प्रमोशन का पैसा मिलता है ना जी ना मैं पहले ही कहा हूँ यार मैं पहले ही कहा हूं कि यार बिल्कुल बिल्कुल पहले ही कहा है कि यार बिल्कुल यहां पे मैं किसी भी तरीके का पैसा आपसे नहीं चार्ज कर रहा हूं न कोई कंपनी से चार्ज कर रहा हूं इट्स एब्सुलूटली बाबा का प्रवचन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बट कैलसी जरूरी है कितना जरूरी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको दिखा दूंगा कैसे सॉल्व करना है राइट जी ओके आगे बढ़ते चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग अब देखिए इक्वेशन वन एंड टू से आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो इक्वेशन वन को मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मिलेगा माइनस ट्वेंटी फोर आई वन ओके जी टू से मल्टीप्लाई किया ना तो प्लस टेन आई टू इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी हो गई सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन तो यहाँ पे हो गई फाइव आई वन माइनस टेन आई टू विच इज इक्वल टू ज़ीरो हो गई ग्रेट जी तो यहाँ पे ये ये कट गया ये ये कट गया है ना एडिशन करोगे तो कट जाएगा ना जी नेक्स्ट वन ट्वेंटी फोर तो ये हो गई माइनस नाइनटीन आई वन माइनस नाइनटीन आई वन इज़ इट फाइन इज इट फाइन हाँ जी बिल्कुल फ़ाइन है विच इज़ इक्वल टू माइनस अ ट्वेंटी तेर फोर आई वन की वैल्यू आ गई ट्वेंटी अपॉन नाइनटीन क्या आ गई ट्वेंटी अपॉन नाइनटीन सो दिस इज़ वॉट योर आई वन ये आप अपने कैलसी में डाल के कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हो कैसे कन्वर्ट करना है मतलब फ्रैक्शन को डेसीमल में कैसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म को डेसीमल में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया था हाउ टू यूज़ अ साइंटिफिक कैलकुलेटर उस टाइम पे मैंने आपको बता दिया था अभी भी बता देता हूँ ये आप सब्सटीट्यूट कीजिए 20 अपॉन नाइनटीन एक फ्रैक्शन का बटन दिखेगा आपको है ना सेकेंड रो में ही कहीं तो सब्सटिट्यूट कीजिए और उसके बाद है ना नीचे एक और बटन दिखेगा एस टू डी ऐसा दिखेगा इस बटन में एस ऐसा डबल एरो और डी एस मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म डी मतलब डेसिमल फॉर्म ओके okay, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो तो वो बटन प्रेस कर दोगे तो डेसिमल में आ जाएगा आपको आंसर राइट right? तो इतना सिंपल चीज़ें इसमें होती रहती है अच्छे से ये सम को बारीकी से देखिए सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको हाउ टू सॉल्व के इसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े लूप्स भी होते हैं मैंने अभी दो लूप का सम लिया है नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो तीन लूप चार लूप का सेशन लेंगे और उसमें ये सारा सब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट सेशन का नाम क्या रहेगा के और के सी एल न्यूमरिकल्स टू ओके न्यूमरिकल्स टू क्योंकि इसके ऊपर न्यूमरिकल ज्यादा से ज़्यादा सॉल्व होना बहुत ही जरूरी है बहुत जरूरी है ठीक है तो नेक्स्ट सेशन में उसके न्यूमेरिकल्स लेंगे दो न्यूमेरिकल्स लेंगे एक तीन लूप के लिए और एक आडा तेड़ा सर्किट रहेगा उसके लिए ठीक है जी तो फटाफट फड़ से फटाफट फड़ से जिन्होंने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट फड़ से व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ नोट्स वहाँ पे हम लोग डालते ही रहते हैं आज से फिजिक्स वन के फॉर्मूलेज हम लोग डालने वाले हैं फिजिक्स वन मतलब आपके इंजीनियरिंग अप्लाइड फिजिक्स जो है फिजिक्स वन उसके फॉर्मूलेज डालने वाले चैप्टर वाइज तो बिल्कुल फटाफट से वहाँ पर ज्वाइन कर दो एंड यार अपने वीडियो को लाइक जरूर ठोकना है यार काफ़ी बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक में बहुत कंजूसी करते हो लाइक फटाफट से ठोक दीजिए क्योंकि वही एनर्जी और ताकत के साथ आपके सामने पहुंचता हूं जनाब एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बी डबल ई क्या डीप ज्ञान ये होता है डीप ज्ञान मतलब एकदम ध्यान से हम लोग बता रहे तो ये सब कुछ उनको भी समझ में आ जाए एंड फाइनल पॉइंट टूडे टूडे एट नाइन पी एम वापस हम लोग मिल रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ बच्चों इसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम लोग मिल रहे हैं ओके okay, रात को नौ बजे तो चलिए मिलते हैं रात को नौ बजे उतनी ही ताकत जोश और कड़ी जुनून के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच